हेलो एंड वेलकम टू ऑटो केमिस्ट्री, दिस इज़ आवर कार डिटेलिंग बिजनेस। और अभी स्टार्ट किया हमने 27 अगस्त को, हमने इसकी ओपनिंग करी है। फिलहाल तो बिज़नेस ठीक ठाक है, बाकी आपका सपोर्ट रहा तो बढ़िया भी जाएगा। आज मेरे पास गाड़ी आई है, इसे घर पे पेंट हुआ था भाई के, सारे गाड़ी पे पेंट के धब्बे पड़ गए हैं। इसकी पहले सफाई होगी, बंजाई होगी, तब पेंट करेक्शन करके हम लेंगे। काफ़ी सॉल मार्क्स भी हैं गाड़ी पर। और दूसरी गाड़ी आई मेरे पास, ये ऑक्टाविया, इसको हम अभी पेंट करेक्शन के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर सिरामिक कोटिंग होगा, माफरा का 2 इयर्स वाला। इसका रनिंग बोर्ड नीचे से डैमेज था, वो हमने पेंट किया है, ये आप देख सकते हैं नया पेंट हुआ है। और थोड़ा सा एक डैमेज इसमें यहाँ पर था, ये भी पेंट हुआ है, कम्प्लीटली मैच कर दिया हमने। सारी पेंटिंग की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी गाड़ी आपके पास हो, कोई भी कलर हो, कंप्लीट पेंट मैच के साथ सारे काम होते हैं। एक रनिंग बोर्ड इसका यहाँ से भी लगा हुआ था, ये भी पूरा रिपेयर हुआ है। ये कहीं पत्थर वत्थर के ऊपर चढ़ गई थी, दोनों साइड से रनिंग बोर्ड इसका डैमेज हो गया था। इसके बाद अभी इसकी वॉशिंग हो रही है, इसके ऊपर फिर हम आयरन रिमूवर लगाएंगे, फिर इस पर क्ले मिट से ट्रीटमेंट होगा, इसके पेंट पे जितनी भी कंटेमिनेशन है वो रिमूव की जाएगी। उसके बाद इसको पेंट करेक्शन के लिए अंदर ले जाएंगे, वहीं पर फिर इसके ऊपर होगी सिरामिक कोटिंग। इसके बाद ये है हमारा डिटेलिंग वाला एरिया, इसमें हम पेंट करेक्शन, सिरामिक कोटिंग, पीपीएफ सारी इस तरफ करते हैं। बीच में हमने एक कर्टन लगाया है डस्ट को बाहर रखने के लिए। हम यूजुअली रुपेस और माफरा के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अभी हम मेंजरना भी मंगवाने वाले हैं, कोच कैमी मंगवाने वाले हैं। चेक करेंगे कि कौन सा कितना स्टैंड करता है आपस में इनका कॉम्पिटिशन करके, फिर जो हमारे को बेस्ट लगेगा फिर हम वो रखेंगे। रुपेस की ही हम सारे मशीन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, माफरा का केमिकल्स यूज़ करते हैं हम, शैम्पू हो गया, अपहोल्स्ट्री शैम्पू, आयरन रिमूवर, जो केमिकल्स आते हैं वो ज़्यादातर हम माफरा के यूज़ करते हैं। माफरा और रुपेस दोनों ही इटालियन ब्रांड्स हैं। मैन मशीन के हम जो है इक्विपमेंट मशीनें, जैसे अपना ड्राई क्लीनिंग और वैक्यूम क्लीनिंग सब यूज़ करते हैं। इस वाली पे सियाज पे हमने काम चालू कर दिया, जिस पे पेंट गिरा हुआ था, वहाँ से तो उतर गया है मोस्टली, जो सफ़ेद सफ़ेद है ये रेजिड्यू है पेंट का। सैंड पेपर से हम इसको घिसाई करके इसकी पेंट उतार रहे हैं, और ये सारा उतरने के बाद फिर इसको पेंट करेक्शन के लिए अंदर ले जाएंगे, पूरी चमका देंगे, नई जैसे लगेगी, शोरूम से भी बेटर कंडीशन। कई बार शोरूम से भी एक आधा सोलमाग आ जाता है, हमारे शॉप से निकलती है तो एक भी नहीं होता। आइए, ये एक और एस्टर आई है, इस पर भी पेंट करेक्शन हमें करना है आज। ये भैया की गाड़ी पे ना कुत्तों ने चढ़ के निशान मार दिए, अभी इनका फ़ोन आया था। तो ये सारा इसका पेंट करेक्शन करेंगे, ये सब जो करना है हमको। और ये मेरा भाई है, पैर में चोट लगी हुई आजकल, ये लेट आया है। आयरन रिमूवर क्यों मारा जाता है गाड़ी पे, में पोल्यूशन में बहुत सारे ना आयरन फाइलिंग्स, बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे आयरन के डिपॉजिट्स बन जाते हैं यूजुअली व्हील्स पे, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक घिसता है जब ब्रेक लगाया जाता है, तो जहाँ भी आयरन का डिपॉजिट होगा वहाँ पर ये लिक्विड जो है रिएक्ट करेगा और ऐसा पर्पल रेड जैसा हो जाएगा और बह जाएगा नीचे। ये पूरा इसको नीचे डिजॉल्व करके नीचे ले जाएगा, और जब धोएंगे तो सारा कंटेमिनेशन गाड़ी में से उतर जाएगा। टाइम हो गया 10:30 का, आज लड़के कर रहे हैं ओवर टाइम। जो ये ऑक्टाविया आज हमें डिलीवर, कल डिलीवर करनी थी, उसका काम डिले हो गया, क्योंकि आज तब वॉशिंग के लिए गाड़ियाँ आ गई, टीम बिजी रही पूरे दिन, तो इसका काम हो नहीं पाया। पेंट करेक्शन इसका कंप्लीट हो गया है, अब इसको सीधा हम सुखा के और अंदर ले जाएंगे कर्टन्स के पीछे सिरामिक कोटिंग के लिए, और फिर उसके बाद लेट हो जाएंगे आपके जाने में। भैया नींद आनी शुरू हो गई है, तो ये है हमारा कस्टमर्स लाउंज, जो हमने बड़े शौक से बनाया है अपने कस्टमर्स को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए। ये हमने टीवी, एसी, कॉफ़ी मशीन, रिक्लाइनर्स एंड एवरीथिंग, आप यहाँ पे बैठ के नेटफ्लिक्स और प्राइम पे कुछ भी देख सकते हैं, प्लेस्टेशन खेल सकते हैं,
और कॉफ़ी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है आपके लिए, ठंडा पानी है। ये थोड़ा सा हमने थोड़ा मैसी किया हुआ है फ़िलहाल, यहाँ पे हमारा PPF का स्टॉक आया था वो रखा हुआ है, और एक ये मेरा एक फेवरेट कार जर्नलिस्ट है उसकी एक फेवरेट कोट मैंने यहाँ पे लिखी है, पीपल लाइक यू और आई नो वी हैव एन अनशेकेबल बिलीफ दैट कार्स आर लिविंग एंटिटीज, यू कैन डेवलप अ रिलेशनशिप विद अ कार एंड दैट्स व्हाट नॉन कार पीपल डोंट गेट। जेरेमी क्लार्कसन। बहुत से लोग आप इन लोगों को जानते होंगे, जेरेमी क्लार्कसन, जेम्स मे और रिचर्ड हैमंड, ये टॉप गियर BBC पे आते थे। अब हालांकि इनका नया शो आ गया है द ग्रैंड टूर अमेज़ॉन प्राइम पे, जो नहीं जानता वो जाके देखे अमेज़ॉन प्राइम पे द ग्रैंड टूर और यू विल नो कि हाउ गुड दीज थ्री आर। ये मेरी फेवरेट कार है फोर्ड GT, ये एज अ सिंबल मैंने यहाँ पे लगाई है कि फोर्ड GT ने जो है लेमॉन में फरारी को हराया था, इवन दो इट वॉज एन अंडरडॉग एट दैट टाइम, फरारी उस टाइम पे सबसे टॉप लेवल पे था। ये मेरा केबिन है, यहाँ पे हम बैठ के अपना सारा काम करते हैं। ये हमने यहाँ पे एक ग्लास सेक्शन दिया है जिसमें हम नीचे देख सकते हैं कि गाड़ी पे क्या काम हो रहा है, स्पेशली जब यहाँ पे PPF और वो हो रही होती है। ऑक्टाविया का सिरामिक कोटिंग कंप्लीट हो गया है, टाइम हो गया है रात के 11:30। टीम अंदर ओवर टाइम कर रही थी, उनके लिए खाना मंगाया, अंदर खाना खा रहे हैं सारे। अब 5-10 मिनट में हम सारे निकलेंगे घर की तरफ और आज का काम कर देंगे ख़त्म। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और देखिए आगे आगे हम क्या क्या करते हैं अपने स्टूडियो पर।